ओके गाइस, तो मेरी सुबह हो गई संडे और ये है संडे का ब्रेकफास्ट, मेरे समोसे। इसमें मैंने दूसरा चीज़ डाला है, स्लाइस वाला चीज़ डाला है आज। सपना देखा तुमने, किसी और को डरा दिया। ना मुझे डरा दिया और मैं जोर जोर से भागा। ओके, तो यशु है ना मुझे अपने सपनों के बारे में बता रहा था कि वो है ना सपने में भाग रहा था, उसको किसी ने डरा दिया और फिर इसने किसी को डरा दिया। तो बस यही डिस्कशन चल रहा था हमारा ब्रेकफास्ट टेबल पर, ये सुबह सुबह जाग गया था। रेनी डे अगेन। अच्छा हुआ मैं कल जाकर आ गई, एग्जाम भी हो गया। मैं ये था इस वीक का वेजिटेबल्स। हाँ, मैं ना ऑल्टरनेट डे ऑल्टरनेट वीक्स एक्चुअली वेजिटेबल्स खरीदते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स रह ही जाते हैं। तो मैं कुछ गोपोआ या फिर जो चना दाल ये सब कुछ होता है ना, मैं कुछ भिगा कर ही बना देती हूँ। तो या सो दिस इज दिस वीक वेजिटेबल्स। पाठरा बनाने के लिए अरवी अरवी लीव्स, चौलाई, वाटर क्रेस, लालो, भिंडी, पीपंजाय, जुकीनी, पाचिस्तो, कालबास, बॉटल गार्ड, दिस इज शुशु, बैगन, सम जिंजर एंड बिग फैट कॉलीफ्लावर एंड सम कैरेट्स। हे गाइस, तो मैंने ये सब आज खाली कर दिया है अपना कैबिनेट। इसमें बहुत सारा ऐसा सामान था ना जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो अभी मतलब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो मैं जो अभी ऐसा सामान रखना जो हम यूज़ करें एवरी डे, तो मतलब इजी एक्सेस हो जाए ना और यूज़ भी हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रखा है जो यूज़ ही नहीं हुआ है, सालों साल हो गए हैं। तो मैंने पूरा खाली कर दिया है और अब देखते हैं यहाँ क्या रख सकते तो ये हैं। जो कंटेनर था ना एग का जो मैंने लिया था, ये भी मैंने फिल कर दिया। थोड़े से ही एग बचे थे अभी तो फिलहाल मेरे पास, पर मैंने इसमें डाल कर रख दिए, बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, तो लंच के बाद मैंने फिर इन लोगों को शावर भी दे दिया। इनका हेयर ना मैं सिर्फ संडे को ही वॉश करती हूँ, क्योंकि पता है आपको कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी विंटर है, तो या तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा वॉश वगैरह नहीं करती हूँ इन लोगों का हेयर, हफ्ते में सिर्फ एक बार संडे को। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिल्म लगा ली थी, मुझे तो फिल्म देखनी थी, बच्चे तो यहाँ वहाँ चले गए, सोए नहीं दोपहर में, लेकिन मैंने गली बॉय फिल्म देख ली एक, बहुत दिन से देखना बाकी था मेरा, पेंडिंग था। फिर उसके बाद क्या, मैं किचन में आ गई और ये मैं स्नैक भर रही हूँ अपना रिफिल। थोड़े बादाम मैंने भिगो दिए, क्योंकि अब एग्जाम्स वगैरह नज़दीक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बादाम की ज़रूरत है। दीज डेज दे डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। तो या और मैंने डेट्स भी फिल कर दिए, काफ़ी दिन से ला के रखे थे फ्रीज़र में, थोड़े से रह गए थे ना, तो हम बस वही यूज़ कर रहे थे। फिर हो गई थी शाम और मैं यहाँ पर आई थी अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मतलब कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, ऑलरेडी हम लोगों ने खाया था ना वो पकोड़े वगैरह, तो वो भी बच गए थे समोसे, तो चीज़ वाले बनाए थे ना तो थोड़ा हैवी लग रहा था। तो शाम के लिए मैंने सिर्फ फ्राइड राइस और ऑमलेट ही डिसाइड किया, यही बनाते हैं, तो सब लोगों ने भी हाँ ही कर दिया था। तो वेजिटेबल्स काट कर बस फिर वो जो चिंग का मसाला है फ्राइड राइस वाला, हफ्ते में एक या दो बार तो हम बना के खा ही रहे हैं आजकल। और ये मेरा सीजर भी यूज़ हो गया, स्प्रिंग ऑनियन तो क्या कट रहे थे एकदम स्मूथली। तो फ्राइड राइस बना दिया मैंने और साथ ही मैंने ऑमलेट भी बना दिया, और यही हमने मतलब डिनर में खा लिया था संडे नाइट को। तो जो चीज़ समोसा वगैरह था वो आपको पता है कि कितना हैवी हो जाता है, तो इसके लिए ही फैमिली भी अग्री हो गई थी। और सैटरडे को ही हम लोगों ने चिकन वगैरह खाया था ना, तो इसीलिए मैंने फिर संडे को थोड़ा अपने को रेस्ट दिया चिकन से बस। और ये क्या टेस्टी बना था ना, ये राइस तो बहुत टेस्टी बनता है, इसमें तो मैं कुछ ऐड भी नहीं करती हूँ, सिर्फ अगर मसाला ही ऐड कर दूँ ना तो भी इतना फ्लेवरफुल होता है राइस एकदम। अब इसमें चिकन वगैरह ऐड कर दो या एग ही ऐड कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब डिलीशियस टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ था मेरा फ्राइड राइस एंड ऑमलेट। फिर उसके बाद हमने कर लिया अपना डिनर और फिर मैं बताऊंगी आपको कि दिन भर में हम लोगों ने आज क्या क्या काम किया, बहुत थक गए थे वैसे तो,
सब सॉर्ट करना यहाँ से वहाँ। इतना प्रेटी तो नहीं लग रहा था कैबिनेट, आई वॉजेंट मच एक्साइटेड, बट अभी वो फंक्शनल है। उधर से अब सामान निकाल कर यूज कर सकते हैं, और फिर अपने जो सामान में वो नीचे बास्केट में रखती थी ना, तो उनको एक अच्छी जगह मिल गई है, जो मैं एवरीडे यूज नहीं करती हूँ, तो वो मैंने कैबिनेट में रख दिया है। तो जब मुझे यूज करना होगा तो वहीं से मैं निकालूंगी और फिर उसको ही निकाल। यहाँ पर ये देखो सिया है ना, सारे अपना जो ग्रीन पीस है वो सब मेरे प्लेट में ट्रांसफर कर रही है। उसको पता नहीं ग्रीन पीस से क्या एलर्जी है, वो कॉलीफ्लावर कभी कभी खा जाती है पर ग्रीन पीस तो बिल्कुल नहीं खाती है। चुन चुन कर उसने मेरे प्लेट में डाल दिया, और इनफैक्ट तो वो कॉर्न तो पहले खाती थी, लेकिन इस बार तो उसने कॉर्न भी सारा ट्रांसफर किया था मेरे इसमें, और उसका देखा देखी यशु भी शुरू हो गया था। यहाँ पर ये दोनों न जाने क्या चीज का मैजिक दिखा रहे थे डिनर टेबल पर डिनर करने। ये था मेरा कैबिनेट। यहाँ पर मैंने कुल्फी का जो केस होता है वो रख दिया है, अभी समर आने वाला है थोड़े दिन में। और ये सब जो बाउल्स थे, जो बाउल्स मतलब एवरीडे यूज़ नहीं होते हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तभी मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है ऊपर में। और बहुत सारे मेरे पास ग्लासेस थे यहाँ पर, तो वो मतलब ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं कर रहे अभी, तो मैंने यहाँ पे तीन निकाले हैं फ़िलहाल के लिए। मग्स है मेरे पास, तो बस अभी हम यही यूज़ करेंगे पहले, तो फिर ये जब टूट जाएंगे ना तब मैं दूसरा लेकर आऊँगी शोकेस में से। इस तरफ बहुत सारा मतलब उसमें सामान था शोकेस में भी, और जो बच्चों ने ग्रीटिंग्स बनाए थे मदर्स डे के, पेरेंट्स डे के, कोई फेस्टिवल के सेलिब्रेशन करते वक्त, तो बस वो सब भी मैंने सिया को कहा कि तुम फ्रिज पे ये सब स्टिक कर दो, तो उसने वो काम कर दिया। और मैंने ये किचन कैबिनेट का जो था ये थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट कर दिया। अब ये धीरे धीरे मतलब होगा, एकदम से सारा तो नहीं कर दिया है मैंने, अभी भी उसमें काफ़ी जगह है सामान रखने की, तो वो मैं धीरे धीरे देखूंगी उसमें और क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। तो या तो फिर डिनर के बाद ये मैंने सब साफ कर दिया, किचन साफ हो गया, बहुत सारे डिशेस निकल जाते हैं कैसे मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। एक एक बर्तन मैं पकाते वक्त ही इतना वॉश कर लेती हूँ फिर भी रह जाते हैं। अब देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? ये तो हंस रही है। मैं भी बचपन में ऐसे ही बोलती थी, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे दो भाई थे ना इसके साथ, तो मुझे लगता सिया भी बाद में सीख जाएगी। तो बस फिर यही रहा हमारा फ्रिज, सिया ने डेकोरेट कर दिया, और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड दैट्स यश।